आज एक से भले दो हैं। तो फोटो की शुरुआत कहां से थी उसको हम फोटो जर्नलिस्ट कहते हैं हर एक नॉर्मल फोटो जैसे नहीं होती। तो तो वैसे तो कहानी के अंदर आपको डुबोती है कॉम्पिटिशन चल रहा होता है बाकियों से हर किसी के बस की है नहीं। आपको चौबीस घंटे जीना है और मेंटली क्या कर सकते हो काफी सारे लोग मुझसे बहुत दिनों से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझे फोटो जर्नलिज्म में एंटर करना है मुझे क्या करना चाहिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने एक परम मित्र के साथ बैठकर इस बारे में हम कुछ वार्तालाप कर लें बहुत सारे लोग जो नए जुड़े हैं उनको शायद नहीं पता होगा कि जो मेरे साथ बैठे हैं वो कौन है प्लीज आप बताएं अपने बारे में हेलो एवरीवन मेरा नाम अहमद हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ओवर इयर्स

तो भैया कहते हैं ना एक से भले दो आपको दो लोगों की राय मिलेगी मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी और जो दोनों ही फोटो जर्नलिज्म जर्नलिज्म सबसे, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा बिफोर आई गेट स्टार्ट मतलब जो भी मेरी बातें होंगी इट विल प्योरली बेस्ड ऑन माइ एक्सपीरियंस अच्छा so सवाल क्या था कि फोटो जर्नलिज्म क्या है क्या है, है? क्योंकि

फोटो जर्नलिज्म सिर्फ वॉर जोन तक नहीं रहा है नहीं। अब आज के डेट में स्पोर्ट्स फोटोग्राफी भी फोटो जर्नलिज्म है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भी उसमें आती है सेलिब्रिटीज बिजनेस प्रेस आम, यू नेम इट एक्सीडेंट्स जो हम कवर कर रहे हैं और दुनिया को जो हम मैसेज दे रहे हैं वो है वो जर्नलिज्म में आता है सो वी आर फोटो वी आर फोटोग्राफर्स कम जर्नलिस्ट सो हम एक तरह से यूं कह सकते हैं कि जो लिख रहा है बेसिकली जिसको जर्नलिस्ट बोलते हैं तो उसको जो सपोर्ट करता है इमेज मतलब तो जो वो काम करता है उसको हम फोटो जर्नलिस्ट कहते हैं क्योंकि फोटो और जर्नलिज्म दोनों एक साथ yeah. जुड़े हुए हैं और मैं इस पर यह भी ऐड करूंगा फिर वो फोटो फोटो हर एक नॉर्मल नहीं होती हमारा ज्यादातर काम जो होता है वो वो एज ए टीम होता है मतलब मैं काम कर रहा हूं तो हुँ। मेरे साथ अगर अशोक है और अशोक जर्नलिस्ट है ही इज अ रिपोर्टर आई एम अ फोटोग्राफर फोटोग्राफर सो या फोटो जर्नलिस्ट वो एक ऐसी फोटो ढूंढेगा जो इसकी स्टोरी को कॉम्प्लीमेंट करे yeah. और वो फोटो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि देखने वाले जब भले ऑनलाइन हो आजकल तो ऑनलाइन का दौर yeah. है ज्यादातर ऑनलाइन yeah. हो या प्रिंट हो वो एक फोटो देखते ही देखने वाला जो yeah. रीडर है yeah. वो बोले यार इसकी स्टोरी पढ़ने की फोटो okay. में इतना कुछ कह दिया है ah. असल में स्टोरी और क्या है सो दे वॉन्ट टू गेट मोर डिटेल्स ऑफ दैट पिक्चर तो वो स्टोरी पढ़ते हैं और मेरे हिसाब से फ़ोटो जर्नलिज्म इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जब आप कोई न्यूज़पेपर उठाते हो वैसे तो न्यूज़पेपर अब ख़त्म होते जा रहे हैं या जब आप कोई सोशल मीडिया पे स्टोरी देखते हो तो उसको देखने से पहले आप एक फ़ोटो देखते हो उसका जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको देखने से पहले आप एक फ़ोटो देखते हो और फिर उस स्टोरी के अंदर घुसते हो और वो पिक्चर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए मेरे ख्याल कि आ, उसको देखते ही आपका मन करे कि आप और कुछ जानना चाहते हो और कुछ उस कहानी को पढ़ना चाहते हो या उस कहानी को पूरी तरह से और समझना चाहते हो तो फोटो एक ऐसी चीज है मेरे हिसाब से जब हम फोटो जर्नलिज्म कर रहे होते हैं जो उस कहानी के अंदर आपको डुबोती है उस कहानी के अंदर आपको लेके जाती है तो ये वाकई एक टीम वर्क का काम है क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं उठा और मैं कुछ भी जाके फोटो खींच लूंगा आ, मुझे समझना पड़ेगा या समझना

मैं गया और मुझे कोई चीज़ दिख गई और मुझे वो एक चीज़, एक चीज़ उस काम किया यू हैव लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स एंड मिड टर्म प्रोजेक्ट्स तो इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स है मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा फॉर नाउ हम सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे तो लेट्स से मुझे uh, मतलब मुझे कोई एक चीज दिखी जैसे लोग फिशिंग कर रहे हैं बाहर में लोग फिशिंग कर रहे हैं मुझे वो दिखी तो मैं वहां गया और मैंने वहां मैं दो दिन या तीन दिन गया हूं, और मैंने वहां अच्छी पिक्चर्स ली लोगों से बातें की और अकॉर्डिंगली मैंने आठ से दस या मैक्सिमम बारह पिक्चर्स मैंने सेलेक्ट करके ऑफिस में दी सो so, वो एज अ फीचर या एज अ गैलरी ऑनलाइन में पब्लिश होती है प्रिंट में भी जाती है तो so, यहाँ कोई रिपोर्टर नहीं था बट अगेन अब यहाँ हमारा रोल फिर से आ गया एज अ फोटो जर्नलिस्ट आप करी? आपने, हाँ। आपने जर्नलिज्म की आपने अच्छे स्ट्रॉन्ग विजुअल्स लिए और वो स्टोरी पब्लिश हुई और लोगों को वो चीजें पसंद आई सो so, और ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं ऐसे तो बहुत सारे हैं तो कहने का मतलब ये हुआ कि फोटो uh, जर्नलिज्म जैसा लोग सोचते हैं जैसा प्रसीव करते हैं वैसा कुछ नहीं है कई बार आप खुद भी काम कर रहे होते हो पर डेली लाइफ में जो एक न्यूज़पेपर काम करता है या एक कोई मैगजीन काम कर रही है तो उसमें डेली लाइफ में फ़ोटो जर्नलिस्ट फोटो जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि वो स्टोरीज को फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंगली पिक्चर्स खींचता है एंड दिस लाइक व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट लाइक डॉक्यूमेंटिंग समथिंग दैट इज अनदर पार्ट ऑफ फोटो जर्नलिज्म सो फोटो जर्नलिज्म सिर्फ जो आपको ऊपर ऊपर से दिखता है वो नहीं है बहुत गहरा है और उसके बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर आप कुछ चीजों पर अपने आप काम करते हो कुछ चीजों पर आप एज पर द स्टोरी काम करते हो पर हाँ मोटे मोटे तौर पर अगर कहें तो फोटो जर्नलिज्म में ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाता है वॉर से लेके कॉन्फ्रेंस से लेके पोर्ट्रेट से लेके इवेंट से लेके एक्सीडेंट से लेके मौसम से लेके सब कुछ आ जाता है सही। तो और यार मुझे लोग आपसे आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रह रहे होते हैं। कुछ नहीं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बिकॉज यू आर द ओनली फोटोग्राफर यू आर द ओनली फोटो जर्नलिस्ट दैट इवेंट और ऑन दैट वेरी इवेंट जहां ऑलरेडी दुनिया भर के yeah. yeah. mm -hmm. हैं तो आप जिस इवेंट पर होते हो वहाँ आप वहां सारे इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इंटरनेशनल एंड नेशनल जो अलग mm. अलग न्यूजपेपर्स हैं वो mm -hmm. सब होते हैं सो आपका way, चल रहा होता है बाकियों से mm -hmm. क्योंकि उनको भी डिलीवर करना आपको डिलीवर करना है, भी करना है mm -hmm. और आपके पास एक ही टेक होता है सो इफ समथिंग इज गॉन इज गॉन कभी कभी हम जैसे ज बना लेते हैं हम हंस रहे होते हैं और सब कुछ कर रहे होते हैं और देखने वालों को ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखने वालों को ये लगता है कि यार इनकी जिंदगी तो बहुत अच्छी है यार एडवेंचरस लाइफ जी रहे हैं सब कुछ है लेकिन कीपिंग एवरीथिंग ऑन साइड बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है जो हमें डिलीवर करनी होती है तो इसको समझना जरूरी है कि फोटो जर्नलिज्म इज नॉट इजी हाँ तो आई होप कि इस पोर्शन से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा कि फोटो जर्नलिज्म क्या है और जो आपने अपने दिमाग में एक इमेज बनाई हुई थी वो शायद थोड़ी सी आ, क्लियर हुई होगी एक बंदा अगर कोई फोटो जर्नलिज्म में घुसना चाहता है या वो फोटो जर्नलिज्म की तरफ अट्रैक्टेड है तो उस बंदे को ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि वो अपने काम को उस तरह का काम बना सके जो उसके लिए रिक्वायर्ड होगा या उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए देखो फोटो जर्नलिस्ट बनने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि फोटो जर्नलिज्म आपको 24 घंटे ये जहन में रख कर चलना पड़ता है अभी भी मैं आया हूँ और मैं कहीं भी जा रहा हूं तू भी कहीं भी जा रहा है तो हम कहीं भी जाते हैं हमारे साथ हमारा कैमरा होता ही है वो छोटा कैमरा हो बड़ा कैमरा हो कोई भी कैमरा हो दिस इज पहली बात इट इज अटाइल दूसरी बात आपको एक और चीज करना बहुत जरूरी है वो ये है कि यू नीड टू सी अलॉट ऑफ वर्क सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम में और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जैसे जो फोटो एजेंसीज़ हैं, जैसे हो गया एपी बड़े पढ़ना जरूरी है। जब तक आपको वो चीजें समझ नहीं आएंगी आप बाहर जाकर आप जहां रह रहे हो शायद वहां और हजार स्टोरीज हैं लेकिन आपको नहीं पता था वो स्टोरीज है जब तक आपको समझ नहीं आएगी जर्नलिज्म चलता कैसे जर्नलिज्म में स्टोरीज कैसे आती हैं

मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल पिक्चर्स देखता था और कुछ नहीं और आज तो और इजी हो गया यार यू कैन सी इट एनीवेयर मोबाइल में बैठकर आप इंस्टाग्राम में आप सब मतलब काम देखते रहो और समझते रहो अगर कोई नया बंदा है तो उसको कैसे पता चलेगा या कौन सा आ, बड़ा फोटोग्राफर है या कौन सा न्यूज फोटोग्राफर अच्छा है वो क्या करे मतलब कैसे सर्च गूगल सर्च करे यार मैं तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा गूगल सर्च करें अगर गूगल सर्च करना भी है तो उसको यही सर्च करना है मतलब एजेंसी के जो नाम होंगे जैसे हाँ एपी एपी चलो हां हाँ। मैं लिख रहा हूं एएफपी हां ठीक है ईपीए ओके ठीक है राइटर्स हां ठीक है और और भी बहुत सारे हैं बट अच्छा ये बड़े-बड़े एजेंसीज चलो हम पकड़ के चलते हैं हम शुरू में अगर कोई बंदा करना चाह रहा है तो इन चार एजेंसीज को

और तो ये हो गई कुछ ऐसी चीजें जो एक बंदे को करनी चाहिए पर एक बंदे के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए मतलब क्या हर कोई फोटो जर्नलिस्ट बन सकता है या कोई ऐसे स्पेशल बंदे होते हैं जिसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज हैं कि हाँ यार ये बंदा परफेक्ट है मतलब हाँ। बनने के लिए फोटो जर्नलिस्ट फोटो जर्नलिस्ट मैं तो ये कहूंगा कि हर किसी की बस की है नहीं हाँ ठीक है तो 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 क्यों नहीं क्यों है क्योंकि पहला मैंने कहा क्यो आप आपका मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड के आपको ये 24 घंटे जीना है ठीक है और आपको 24 घंटे अनकंफर्टेबल रहना है और आपको ऑब्जर्व आप, करना है हर जगह हर जगह आप आप हर जगह आपके वही ना आपकी आंख खुली रहेगी कैमरा आपके पास तैयार रहेगा ठीक है उसके अलावा अगर मैं बहुत स्लैंग वर्ड में यूज करूं तो यू नीड टू बी वेरी क्रेजी आपको बहुत पागल होना पड़ता है इस फील्ड में घुसने के लिए और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं मतलब रात कुछ हाँ। रात, या तो आप सर्कल है लेकिन आपके सर्कल है जहाँ मतलब तो आपके, आपके बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं हुँ. और रोज रोज रो, चार चार पांच पांच घंटे सिर्फ और सिर्फ बैठते हैं और चाय में गपशप लगाते हैं और गपशप भी ऐसे जो जो कहीं नहीं पहुंचती और उससे आपको कोई सीख नहीं मिलती सो इवन इन दैट आपको अपने सर्कल चेंज करना मतलब तो कर हाँ, तो हाँ, तो so, मतलब बीच में एक ऐसा फेज आता है जहां आप अकेले हो जाते हो और जहां सिर्फ आपका फोकस जो होता है आपके काम पर होता है मैं अगर अलग अलग फील्ड जैसे मैं ये अलग अलग फील्ड्स है तो आप उनमें जब खो देखना है उनके काम देखना शुरू कर दोगे

मेंटली क्या कर सकते हो या आपकी सोच क्या होनी चाहिए या आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए पर फिजिकली अगर मैं हम बोले तो एक बंदा अगर कोई फोटो uh, जर्नलिज्म में घुसना चाह रहा है तो फोटोग्राफी वाइज उन्हें क्या करना चाहिए हाँ, हमारे घर की हाँ, ग्रामीज हाँ, हाँ, हमारे एरिया में स्टोरीज है हमारे शहर में स्टार्ट गोइंग आउट एवरी डे मतलब खुद में तो क्या हुआ कि अपने लाइक

फिर आप वो चीज घर में जाकर लिखना शुरू करोगे अब मैं जो कह रहा हूँ मैं सब मोटा मोटे तौर पर कह रहा हूँ आपको ये चीजें करनी पड़ेगी yeah. आपको बाहर जाना पड़ेगा yeah. और मैं ये भी कहू मतलब ये कि बहुत जरूरी है कि आप बहुत सारी गलतियां करोगे आप भले पिछले दस साल से फोटोग्राफी कर रहे हो बट वेन गेटिंग स्टोरीज

मुझे अब यही करना है और मुझे उसी नज़रिए से देखना है बिकॉज कोई भी टाइप की आप फोटोग्राफी करते हो नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो भी फर्क पड़ता है वो आपके नज़रिए से ही फर्क पड़ता है सामने एक कप पड़ा हुआ है इसको मैं एज अ प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी कर सकता हूं लेकिन अगर मैं इसको न्यूज़ के एंगल से देखना चाहूं तो मैं इसको न्यूज़ के एंगल से भी देख सकता हूं जहां पर मैं एक फोटो जर्नलिस्ट फोटो जर्नलिस्ट की नज़र से इसको देखूंगा तो जब आप अपना नजरिया बदलोगे जब अपनी सोच बदलोगे और एक चीज़ के ऊपर फोकस होकर चलोगे तो डेफिनेटली यू कैन रीच वेयर यू वॉन्ट टू रीच बीट फोटो जर्नलिज्म भटकना नहीं है इधर उधर नहीं जाना है अगर आपने सोच लिया है कि मुझे फोटो जर्नलिज्म में घुसना है तो जितनी भी बातें अहमद ने भी बताई हैं और जो हम लोग हर रोज़ करते हैं वो यही है कि यू हैव टू सी लॉर्ड ऑफ वर्क एंड काम देखो उसी से बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और हम जैसे पागल दो लोग बैठे हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हो अगर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कुछ पूछना चाहते हो अहमद से भी कांटेक्ट कर सकते हो अहमद का इंस्टाग्राम अकाउंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन इन सब के साथ साथ नहीं। नहीं। आप में सबर बहुत होना चाहिए हाँ, patience. आ, हाँ, आप में अगर 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 आप में सबर नहीं है नॉट ओनली इन फोटोग्राफी नॉट ओनली इन फोटो जर्नलिज्म बट ओवरऑल जनरल इन जनरल लोगों में मतलब patience. सबर का मादा हाँ. खत्म हो गया है मतलब टॉलरेंस रहा ही नहीं हाँ. है ना सो so, इस चीज पे प्रैक्टिस मतलब मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एज वेल कि यार हमें बहुत पेशेंस uh, चाहिए ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज फोटो जर्नलिज्म की प्रैक्टिस शुरू की है और एक महीने बाद या छह महीने बाद मुझे काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा पेशेंस होना बहुत बहुत जरूरी है हर रोज मतलब मुझे इसे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे रिक्वेस्ट आती हैं जहां पर लोग बोलते हैं कि सर मैं तीन महीने से फोटोग्राफी कर रहा हूं ना मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो अगर जो ये वीडियोस देख रहे हैं और वो अगर सोच रहे हैं कि आज अशोक वर्मा का और अहमद का ये टॉक हमने सुना और जो इन्होंने बताया हमने उसको फॉलो करा और एक महीने बाद भाई मैं बन जाऊंगा फोटो जर्नलिस्ट तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो प्लीज आप ये सोच अपने दिमाग से निकाल दें बहुत सारा पेशेंस चाहिए बहुत सारा टाइम लगेगा लेकिन कर सकते हो इतना मैं बोलता हूं कि कर सकते हो अगर आप टिके रहोगे और आप करते रहोगे और मेरे ख्याल हम इस टॉपिक को लेकर आगे और वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए जिसमें हम ये बताएंगे कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं और क्या अप्रोच रखते हैं हम डेफिनेटली we'll ऐसा, ऐसा है, जिस टॉपिक पर हम बैठकर ऐसे ही मतलब कमेंट yeah. so, में बताना और अगर यूजफुल लगा हो तो बता देना नहीं लगा हो तो भी ठीक है मिलते हैं